हेलो फ्रेंड, सालनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा मिर्ची। भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने मोटी वाली मिर्ची ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के कट मार्क लगा दिया। देखिए, पूरा कटिंग नहीं करना, नहीं तो मसाले सब निकल जाएंगे। ऐसे 5-6 उबले हुए आलू है, जिसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तड़के के लिए मैंने जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच लिया है, और चाट मसाला है, आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं या नींबू भी निचोड़ देंगे। मिर्ची पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, और 2-3 चम्मच जैसा बेसन है। कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से पहले से गर्म कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच जैसा तेल भी डाली हूँ। इसमें मैं जीरा और सौंफ डाल लूंगी। जीरा और सौंफ चटक चुके हैं, अब हम इसमें चाट मसाला, मिर्ची पाउडर और नमक भी डाल लेंगे। अब हम बेसन को इसमें डाल के अच्छी तरह से सेक लेंगे। बेसन अच्छी तरह से भून गया है, अब हम उबले हुए आलू को भी डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसे 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि बेसन का मसाला जो है वो आलू में अच्छी तरह से मिल जाए। आलू भुन चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं। कटे हुए मिर्ची में हम इन मसालों को देखिए कैसे भरते हैं। थोड़ा सा अगर फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मसालों के साथ चिपक भी हम चिपका भी सकते हैं अच्छी तरह से। जैसे मैंने इन 2 मिर्चियों को भरा है, उसी तरह हम बाकी सारी मिर्चियों में आलू का मसाला भर के रेडी कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले से गर्म कर लिया है, अब हम इन सारे मिर्ची को, भरे हुए मिर्ची को हम डाल लेंगे। भरवा मिर्ची रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।